थैंक्स टू प्रिंसिपल सर, टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। वाह, कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे DSSSB फायर ऑपरेटर रिजल्ट के अपडेट के बारे में। आपको अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, कल से मतलब कई सारे कैंडिडेट को ये इशू हो रहा है परसों से कि उनका रिजल्ट चेक नहीं हो रहा है, तो उनका रिजल्ट कैसे देखें। और एक गुड न्यूज़ है कि आपके रिजल्ट में रिमार्क्स डाल दिए गए हैं। जिन जिन के रिमार्क्स में ये लिखा है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट एयर एग्ज़ाम, मतलब कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए आप शॉर्टलिस्टेड हो, तो उनका कन्फर्म है कि भाई वो शॉर्टलिस्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ऐसे चेक करेंगे कि भाई आपका रिज़ल्ट शो हो रहा है और उसमें रिमार्क भी डाल दिया गया है, तो अब आप बेचिंत रहिए कि आप यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हो गए हो। चाहे किसी के 80 नंबर हैं, चाहे किसी के 90 हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो होगी हमारी कट ऑफ की। अभी कोई कट ऑफ नहीं आएगी, कोई भी लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो ये DSSSB ने पहले रिमार्क नहीं डाला था। अगर पहले रिमार्क डाल देते तो इसे पूरा अच्छे से क्लियर हो जाता कि भाई वो लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, इन्हीं को शॉर्टलिस्टेड कर रहे हैं। मैंने जो एक चीज़ बोली थी कि भाई अभी लिस्ट आएगी, तो वो किस बिहाफ पे बोली थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में ये होता है कि पहले ना रिटर्न की कट ऑफ आती है, DSSSB के एग्ज़ाम में रिटर्न की कट ऑफ आती है, फिर उनको आगे लेके जाया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया है कि आपका ये क्वालिफाइंग क्रिटेरिया के अंदर जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन सबको आगे लेके जाया जाएगा। प्लस मैं यहाँ पे बता दूँ कि भाई अगर कोई 80 मार्क्स से 10 नंबर भी ऊपर लेके आ रहा है, 90 नंबर है अगर किसी के UR से, तो वो सेफ़ है। आप ड्राइविंग की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए और हो सकता है अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में ही आपका ड्राइविंग टेस्ट ले लिया जाए। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर देगा DSSSB। और यहाँ पर फिर क्या होगा कि अगर ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कई सारे कैंडिडेट के 100 अबव मार्क्स हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट के। मैं यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ आपको, कोई ऐसा इशू नहीं है कि दिखा नहीं सकती। 122 नंबर हैं, 118 नंबर हैं, 115 नंबर हैं, किसी के 128 हैं, 130 हैं, 132 हैं, 150 भी हैं, 152 भी हैं। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके काफ़ी सारे मार्क्स आए हैं। तो आप ड्राइविंग टेस्ट में मेहनत कीजिए ताकि आपका जो स्कोर है आपका भी ऊपर चला जाए, क्योंकि जिनके फिज़िकल में अच्छे आए हैं वो फिर यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न में हो जाएंगे। आपके अगर रिटर्न में कम है तो फिज़िकल के ऐड हो जाएंगे और फिर आपका ड्राइविंग वाले ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे चलते हैं कि कैसे यहाँ पर हुआ है। इस वाले लिंक पे जाना है, DSSBonline.nic.in। ठीक है, तो यहाँ पे जाना है आपको और क्लिक टू साइन इन पे जाना है। क्लिक टू साइन इन पे जाने के बाद आपको ये वाला कुछ फॉर्मेट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे अपना फिल ऑफ कर देना है। मैं फिल कर देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। तो जैसे ही आप साइन इन करोगे भाई आपकी सारी डिटेल भर के ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू रिज़ल्ट कर देना है। व्यू रिज़ल्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑप्शन। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर, क्योंकि आपका PET का निकल चुका है, सेकेंड टायर का एग्जाम ये देखना है रिज़ल्ट, सेकेंड टायर पर कर लीजिए और आपके यहाँ पर मार्क्स भी दिखाई दे जाएंगे। आपका बैच, मतलब ये जो सेकंड टायर है, आपकी एडवर्टीजमेंट का पोस्ट कोड, आपका रोल नंबर, आपका यहाँ पे सब कुछ आपका यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो इनका जो स्कोर है वो ये है और इनके देखो रिमार्क में क्या लिखा है, यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट कोड 18/19 फॉर नेक्स्ट टायर। जिनका भी ये लिखा है वो शॉर्टलिस्टेड हो गए नेक्स्ट टायर के लिए। तो ये आपको अब रिज़ल्ट इजीली, मैं वही कह रही थी 2-3 दिन वेट करने के बाद इजीली देख पाएंगे। अदरवाइज़ जिन्होंने भी देख लिया है और जो भी यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, तो ऑल ऑफ़ यू कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। और बस यही अपडेट थी जो मेरे को बतानी थी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।